हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। ओके, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट वी ब्रश अप व्हाट वी हैव अंडरस्टूड और व्हाट वी हैव सीन। ठीक है, अभी तक जो हमने देखा वो सब एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, ब्रश अप कर लेते हैं। कैसे हमने एब्सोल्यूट एरर देखा, किस तरीके से हम शो करते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर देखा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन रूल देखा। ठीक है, उन सब का कॉम्बो करके हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे आपको क्लियर कट पता चले। ठीक है, चल तो एक्सप्लेन द अनसर्टेनिटी और एरर्स इन गिवन मेजरमेंट। तो अब हम न्यूमेरिकल यूज़ करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से एरर रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, चलिए। सो सपोज अ रेक्टेंगुलर प्लेट एंड इट्स ब्रेथ एंड लेंथ इज मेजर्ड एंड इट इज फाउंड दैट द लेंथ इज 16.2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 10.1 सेंटीमीटर। ओके, और जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजरमेंट लिया गया है, ओके, उसकी लीस्ट काउंट दी गई है, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। गॉट इट? सो बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट इज मेजर्ड। ओके, एंड द लीस्ट काउंट यानी कि जितनी मिनिमम कैपेसिटी उसकी है मेजरमेंट लेने की, वो क्या है? 0.1 सेंटीमीटर है। इन अ न्यूमेरिकल यू ऑलवेज गिवन इन दिस फैशन that the instrument which is used to measure, okay, you have been not given directly that is the absolute error, you always been given the least count, okay, and from that you have to understand that is the absolute error, okay। चलिए कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमें लेंथ और ब्रेथ का ये वैल्यू जो दिया गया है वो हम ट्रुथ वैल्यू मानते हैं। ओके, और उसके बाद जो लीस्ट काउंट दिया होता है उसे हम क्या मानते हैं? एब्सोल्यूट एरर मानते हैं। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट दैट शुड बी 0.1। बोल दिया हमने पहले ही, हमें क्या दिया था, ये क्वेश्चन था हमारा, और उसके अंदर हमने क्या बोला था? लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट को जैसे मैंने बताया उसी को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर बोल देते हैं। तो मैं अब क्या कहेंगे कि लेंथ इज रिप्रेजेंटेड एज 16.2 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, एल प्लस और माइनस डेल्टा एल, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजरमेंट लेते हैं तब। ओके, सो एल यानी कि ओरिजिनल वैल्यू 16.2 एंड एब्सोल्यूट एरर इज डेल्टा एल, दैट इज 0.1। ओके, उसी तरीके से ब्रेथ को कैसे मेजरमेंट दिया जाएगा ये सोचिए। सो बी इज इक्वल्स टू द ओरिजिनल वैल्यू दैट इज 0.1 सेंटीमीटर एंड द एब्सोल्यूट एरर विज रिमेन सेम, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। ओके, चल तो अब मेरे पास लेंथ और ब्रेथ की एरर आ चुकी है। तो अब लेंथ की परसेंटेज एरर और ब्रेथ की परसेंटेज एरर इंडिविजुअली आप कैसे फाइंड कर सकते हो वो हम देखेंगे। मोर एवर वेन एवर द एरिया ऑफ दिस प्लेट इज फाइंड आउट, सो हाउ वी कैन रिप्रेजेंटेड इट एंड व्हाट अमाउंट ऑफ द एरर वी शुड रिप्रेजेंटेड इन द फाइनल रिजल्ट। यानी कि एरिया जो होगा टोटल इस प्लेट का वो क्या होगा? एल इंटू बी इज इक्वल्स टू ए। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो जब टोटल एरिया फाइंड आउट होगा तो उसमें कितनी एरर होगी और एरिया को इस एरर रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे शो कर सकते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? परसेंटेज एरर ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ देख लेते हैं। मैं आपको लेंथ का समझाता हूँ, ब्रेथ आप खुद देख लेना, मैं यहाँ पे सीधा आंसर कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो लेंथ का परसेंटेज एरर कैसे होगा? फॉर्मूला क्या है? एब्सोल्यूट एरर, सॉरी
डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है, वो हम देख चुके हैं। सो डेल्टा एल क्या है, 0.1, 0.1 रख दिया, एल ओरिजिनल वैल्यू अरिथमेटिक मीन वो रख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर ऑफ द लेंथ नाउ वी हैव फाइंड आउट दैट इज 0.6, ठीक है। उसी तरीके से हम ब्रेथ की परसेंटेज एरर फाइंड करें तो क्या होगा, दैट इज डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, सो दैट वुड बी 0.1 डिवाइडेड बाय 10.1 इंटू 100, ओके। यहाँ पे आपका जो आंसर आता है वो 0.619 एंड दो तीन डिजिट में आता है, आप कैलकुलेट करके देखा। बट व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिप्रेजेंटेड ओनली वन डेसिमल आफ्टर द पॉइंट, ठीक है, क्यों, हमारे पास पॉइंट के बाद एडिशन में कितनी एक्यूरेसी दी गई है, ओनली वन, ओके, सो वी आर प्रोसेड इन दैट वे, ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ पे एल का रिप्रेजेंटेशन क्या देख सकते हैं, एल इज इक्वल्स टू 16.2 ओरिजिनल वैल्यू, 0.6 परसेंटेज एरर सेंटीमीटर, यही हमारी परसेंटेज एरर, ओके, ऐसे भी शो कर सकते हैं। उसी तरीके से अब हम क्या फाइंड करें, परसेंटेज एरर इन ब्रेड्थ, सेम टू सेम डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, ओके, आपको करना है 0.1 डिवाइडेड बाय 10.1 इंटू 100, यू विल गेट दी 1%, ओके। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा, सो बी इज इक्वल्स टू 10.1 प्लस और माइनस 1% सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे शो कर दिया एल को भी, बी को भी, उसकी परसेंटेज एरर भी फाइंड कर दी और उसको रिप्रेजेंट भी यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है, पता चला। अब एरिया की बात, चलिए, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, ठीक है, पता चला। अब क्या करते हैं, उसकी ओरिजिनल वैल्यू फाइंड कर देते हैं। रिप्रेजेंटेशन फाइनल वाला कैसा होगा, फाइनल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, आपको पता है, दैट इज ए प्लस और माइनस डेल्टा ए। तो उसके लिए पहले ए फाइंड करना पड़ेगा, तो ए क्या होता है, एल इंटू बी। तो एल हमने जो फाइंड किया हुआ है, यहाँ हमें दिया गया है 16.2 और बी 10.1, तो मल्टीप्लीकेशन करके हमने लिख दिया, ठीक है। सो देयरफॉर द परसेंटेज एरर इन ए, फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ ध्यान से समझना, दैट वुड बी, परसेंटेज एरर की बात हो रही है तो ए की परसेंटेज एरर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है लेंथ इंटू ब्रेथ का, बट एरर एडिशन में ही दिखाई जाती है, मल्टीप्लीकेशन रूल डिवीजन रूल हम देख चुके हैं। सो एल की परसेंटेज एरर कैसे कितनी होगी, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, बी की परसेंटेज एरर डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, और उन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। सो यू कैन सी हियर डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, दैट इज द परसेंटेज एरर ऑफ द ए, दैट इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर ऑफ द एल एंड परसेंटेज एरर ऑफ द बी, एंड देयर शुड बी एडिशन, दोनों का क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए, पता चल रहा है ना, ओके। सो हियर वी हैव फाइंड आउट, वी हैव रिटर्न द फॉर्मूला ऑफ द परसेंटेज एरर ऑफ द ए, और उसके ऊपर से मैं फाइनली क्या रिप्रेजेंटेशन लाऊंगा, ए का, ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं। सो डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 तो हम ला चुके हैं आगे, फाइन कर लिया हमने 0.6%, ये भी फाइन कर चुके हैं 1%, टोटल 1.6%, ठीक है, आसान हो गया, ये राइट हैंड साइड पार्ट सॉल्व हो गया हमारा, इतना वाला दिस मच, क्योंकि हमने आगे ही फाइन कर लिया है। अब इसकी बारी आती है, ओके, मुझे क्या चाहिए, डेल्टा ए चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डेल्टा ए चाहिए, तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, ओके, वो कहाँ जाएगा, इस दरबाजू डिविजन में जाएगा, और ए कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, देखिए यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या बचेगा, खाली डेल्टा ए, मुझे यहाँ पे क्या रखना है, डेल्टा ए, तो 100 और ए को
इक्वल्स टू के उधर भेज देते हैं। तो ये डिवीजन है वो न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर है वो डिवीजन में जाएगा। चलिए तो इसका आंसर कितना था 1.6, उसके साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ a, तो 1.6 इंटू ए, ए ऊपर से ले लिया, कितना है 163.62 रख दिया। अब ऊपर कौन है 100, तो नीचे कौन जाएगा 100, तो डिवाइडेड बाय 100, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा डेल्टा ए, दैट इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन और आप डिविजन करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, दैट वुड बी अराउंड 2.6, ठीक है। जो आपको करना है डेल्टा ए आ गया, ओके 2.6 निकाला ना, अब ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, दैट वुड बी द फाइनल रिप्रेजेंटेशन। सो ए यानी कि एरिया ए दैट वुड बी विद द परफेक्ट एक्यूरेसी 163.62 एरिया ए प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस 2.6 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हमने रिप्रेजेंट किया इसको, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, एक्यूरेसी सब को देख लिया। अब इसे भी फाइनल स्टेप कर देते हैं। हेयर द मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट इज 3, यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेशन हमने दिए हैं उसके अंदर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3, तो उसको ऐसे ही शो किया जाएगा फाइनल रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे तो देखिए ऐसे मैं लिखता हूँ तो इसकी तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो है 5 है, तो ऐसा शो करना तो मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे हम इसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में 163.62 को छोड़ देकर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पता चला। और देखिए यहाँ पे 2.6 था, यहाँ पे 26 जैसा लग रहा है बट पॉइंट नहीं छपा है, ओके यहाँ पे 2.6 सही है। अब 2.6 में हमें पॉइंट डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं चाहिए, क्यों, सेंटीमीटर स्क्वायर की बात हो रही है तो डेसिमल 2.6 के बाद कोई मतलब नहीं बनता है, तो 2.6 का क्या कर दिया हमने 3 कर दिया। अब आपको ऐसा क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हमने क्यों राउंड ऑफ नहीं किया, ओके तो यहाँ पे राउंड ऑफ करना चाहो तो भी चलेगा, बट दोनों में से एक को राउंड ऑफ देना पड़ेगा, यानी आप यहाँ पे 164 लिखो प्लस और माइनस 2.6 की जगह 3 लिखो तो भी चलेगा, ठीक है, पता चला। या फिर 164 प्लस और माइनस 2.6 ऑल्सो ओके, 164 ये भी ओके, ओके समझ में आ रहा है ना। चलिए तो देयरफॉर एरर इन मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ द प्लेट दैट इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरर पार्ट क्या है इसका, हर एक मेजरमेंट में या टोटल जो एरिया फाइंड किया उसके अंदर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरर है, दैट इज द फाइनल कंक्लूजन, क्लियर है। चलिए वॉट इज द डिमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एंड एक्सप्लेन बाई यूजिंग द सूटेबल एग्जाम्पल, ध्यान से समझना। यहाँ से हम बहुत ही जल्दी इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन पे पहुँच चुके हैं, ओके तो इस चीज़ को अभी जो हम समझने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से समझना, ओके और दैट इज़ द हार्ट ऑफ द एंटायर चैप्टर, ठीक है। Any physical quantity which can be represented by the seven basic or fundamental physical quantity, यानी कि कोई भी physical quantity है जो हमने SI system में देखा था उसके अंदर कितने unit base unit के तौर पे दिए थे हमको 7, so there is 7 base or fundamental units given in SI system and any physical quantity can be represented by using that 7 basic fundamental units of fundamental physical quantity. एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि सातों सात फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी थी। पहली थी मास, ठीक है, एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी थी लेंथ, ओके एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड वन कौन सी थी, टाइम, बेसिक है, ओके एम एल टी फॉर्मूला भी बोलते हैं इसे, ओके उसके बाद
इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो कैपिटल के से इंडिकेट किया जाता है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी सीडी कैंडेला, राइट। फिर अमाउंट ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट इज द 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, एंड बाय यूजिंग दैट बेसिक फिजिकल क्वांटिटी वी कैन एक्सप्लेन, वी कैन रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटीज, कोई भी, ठीक है। इसी का इस्तेमाल करके इसी के टर्म्स में हम किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, एंगल, प्लैंक कांस्टेंट, मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट्सेट्रा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप उठा के ले आओ, आप इसको एमएलटी फॉर्मूला में या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला के फॉर्म में, यानी कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर उसका फॉर्मूला आपको आता है तो आपके लिए बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप आप सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आज मैं आपको बेसिक 3-4 फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, और उसी के साथ साथ आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आगे सारे के सारे फॉर्मूला बनाना सीख जाओगे, ठीक है। चलिए, तो अब डायमेंशन का जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो कुछ इस प्रकार है, द पावर और एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटी इज रेज्ड टू इज कॉल्ड डायमेंशन। यानी कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे एम एल टी ए के फॉर्म में, इसकी जो पावर लिखी जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन, ठीक है। उसी को क्या कहा जाएगा, डायमेंशन कहा जाएगा उस फिजिकल क्वांटिटी का। एग्जाम्पल लेते हैं, हमें बताएं कि वॉल्यूम मेजर करना है तो उसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये तीनों तीन फिजिकल क्वांटिटी भले बोलने में अलग है, बट मेजर तो किस में होगी, मीटर में ही, ओके। सो दैट वुड बी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। ये पहले इसके लिए समझा रहा हूँ कि कभी गड़बड़ी ना हो, लेंथ है बट उसका सिंबल एम है, बट इट इज़ नॉट मास, ओके। मास आएगा तब हम कैपिटल एम लिखते हैं, और उसका क्या होता है, किलोग्राम होता है, केजी होता है, बराबर। बट लिखा कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है, एम में लिखा जाता है, कैपिटल एम। देखिए यहाँ पे मास हुआ, बट यहाँ पे अगर मैं लिखता किलोग्राम, सॉरी कोई ऐसा यूनिट जो नेक्स्ट आ रहा है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए लेंगे हम, ठीक है, जैसे क्लियर हो जाए। तब एम है फॉर्मूला में आपके, तो वो है किलोग्राम, बट जब डिमेंशनल फॉर्मूला में लिखा जाएगा तब एम वन। अब यहाँ पे लेंथ है तो एल बी एच लिखा जाएगा इस तरीके से, मेन फॉर्मूला। मेजर किस में किया जाएगा, मीटर मीटर मीटर, तो वो बन जाता है आपका मीटर क्यूब, ओके। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे एल थ्री, ठीक है। यहाँ पे अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, एल थ्री। सो इन वॉल्यूम डायमेंशन ऑफ द लेंथ, यानी कि डायमेंशन ऑफ द लेंथ क्या है, हमने जो अभी देखा क्या रूल है, पावर जो है वही डायमेंशन कहा जाता है। तो यहाँ एम की या एल की पावर क्या हुई, 3। सो डायमेंशन ऑफ द लेंथ इज 3, वेयर एज द डायमेंशन ऑफ मास एंड टाइम 0। इस वॉल्यूम के फॉर्मूला में मास और टाइम आता है, नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो वो 0 है। यहाँ पे लेंथ ही आई, मास और टाइम आया ही नहीं, वॉल्यूम के फॉर्मूला में आता है, नहीं आता है तो वो 0 लिख देंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम कैसे लिखा जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार, एम जीरो एल थ्री टी जीरो, जो नहीं है उसे 0, और जो है, ओके, यानी मीटर क्यूब उसका यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। उसी तरीके से एरिया का लिखना हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा, 2, यानी कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर, और फॉर्मूला लिखा जाए तो एम जीरो एल टू टी जीरो, पता चला, है ना आसान, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है।
तो एफ इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला हमारे पास है। ओके, एम क्या है? मास। ए क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है, एम क्या है? मास है। ए क्या है? एक्सेलरेशन। ओके, तो अब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बना वो डायरेक्ट लिख दिया। अब जैसा कि मैंने बताया मास, तो मास किलोग्राम में आएगा, तो दैट इज वाई यहाँ पे एम वन लिख दिया। अब एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आना चाहिए, किस तरीके से, पहले उसका यूनिट आना चाहिए। ठीक है, चलिए जस्ट अ मोमेंट, अगर इसमें पॉसिबल है। उसका फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये थर्ड चैप्टर में हम सीखेंगे, बराबर उसका मेन फॉर्मूला। बट आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि इसका फॉर्मूला क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसा अभी मैंने बताया, क्या बताया, के एम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल, तो लिख दिया एल। अब एस स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड किसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेकेंड किस में मेजर हो, टाइम किस में मेजर होता है, सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ भी क्या लिखा जाएगा, टी टू। बट ये कहाँ है, डिनोमीटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या पावर बनेगी उसकी, माइनस टू। क्या पावर बनेगी, माइनस टू। तो यहाँ पे आपने कई बार लिखा भी होगा, क्या लिखा होगा, आपने इस तरीके से यूनिट को रिप्रेजेंट भी किया होगा, एम इंटू एस रेस टू माइनस टू, ऐसे आपने लिखा भी होगा। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, इट वुड बी एल वन टी, और उसकी पावर कितनी है, माइनस। ठीक है, सो देयरफॉर इन दिस फैशन क्या हुआ, ये एम वन एल वन टी माइनस टू, पता चला ना, पक्का? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन जस्ट हमने देखा क्या हुआ, एल वन टी माइनस टू। ठीक है, उसी तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी बनाइए, उसके पहले आपको क्या आना चाहिए, डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रो, इसे बोला जाता है रो। ओके, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम, फॉर्मूला क्या है उसका, मास पर वॉल्यूम। चलिए, अब मास है तो किससे मेजर होगा, एम वन, राइट। अब v, अभी जब हमने देखा उसका क्या है, L3, तो नीचे L3 होगा, L3 का होगा नीचे, तो वो ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री बनेगा, तो m1 l माइनस थ्री। अब टाइम है इसमें, डेंसिटी में नहीं है, तो जीरो लगा दिया, पता चला। ओके, तो उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा वेलोसिटी का। ठीक है, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज मीटर पर सेकेंड, वो तो शायद आपको आता ही होगा, नाइन्थ से आता है। तो मीटर पर सेकेंड, तो मीटर ऊपर है तो एल वन, सेकेंड नीचे है तो टाइम ऊपर जाएगा तो टी रेस टू माइनस वन। सो मास नहीं है वेलोसिटी में, मास नहीं है तो मास जीरो हो गया, तो एम जीरो एल वन टी माइनस वन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अब एंगल, प्लेन एंगल ले लो, सॉलिड एंगल ले लो। ठीक है, इसमें ना तो मास है, ना तो लेंथ है, ना तो टाइम है। ओके, वो तो अलग क्वांटिटी में मेजर होता है, रेडियन में, मिनट में, डिग्री में, बराबर। तो वहाँ पे बेसिक फॉर्मूला में ना तो मास, लेंथ, टाइम है, सो दैट इज वाई एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला एम जीरो एल जीरो टी जीरो, उसके अंदर कुछ भी नहीं आता है। ऐसे कई सारे हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जीरो जीरो होता है। कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, बट हर एक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला जीरो नहीं होता है। ओके, जैसे हमने देखा है जी,
ओके कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी याद करो तो जी की वैल्यू भी हमने लिखी थी, जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी इज इक्वल टू वैल्यू कितनी थी 6.67 इंटू 10^-11, फिर यूनिट लिखा था क्या यूनिट था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है तो ये कांस्टेंट ही है बट वो यूनिटलेस नहीं है, उसका यूनिट है। ओके तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। ओके अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला ये तो कंपलसरी दिमाग में बैठ ही जाना चाहिए। ठीक है क्यों, बहुत सारी चीजों का ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। आप कोई भी टाइप की एनर्जी बोल दो, क्या कोई भी टाइप की एनर्जी बोल दो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा। ठीक है उसको मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ 12-2 से याद रखो, कैसे याद रखो 12-2। ओके ऊर्जा, उसे क्या बोला जाता है ऊर्जा। ओके तो ऊर्जा के बारे में बता दो, बारे यानी कि 12 बता दो यानी -2, ऐसे लॉजिकली याद भी रखा जाता है। जनरल 12-2 यानी एनर्जी। ठीक है 12-2 यानी कि एनर्जी, 12 यानी कि ये फॉर्म फिक्स है MLT ही लिखा जाएगा, 12 यानी कि 1 m को दे देंगे, 12 यानी कि 2 आया दूसरा तो 2 l को दे देंगे और -2 t को दे देंगे। सो 12-2 कोई भी एनर्जी, कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, ओके या किसी भी टाइप की एनर्जी बोलो। ओके हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ओके सारी टाइप की एनर्जी अगर पीछे लगता है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला 12-2 यानी m1 l2 t-2 ही होगा। ठीक है पता चला, कैसे ये भी सवाल होगा आपको, ये भी प्रूव कर देते हैं। ठीक है कैसे, चले तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वर्क डन का फॉर्मूला। अभी आपको नहीं पता होगा, वैसे तो आ चुका है 9th में, W इज इक्वल्स टू आपको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अभी जब हमने फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया। ओके अब पहले यूनिट लिख देता हूँ उसका, तो फोर्स मेजर होता है न्यूटन में, फोर्स किस में मेजर होता है न्यूटन में। ओके और डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस किस में मेजर होता है मीटर में, बराबर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, फिक्स है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा आपका L1। एक काम खत्म, अब न्यूटन का आगे याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ क्या था, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि m1 किलोग्राम इंटू मीटर यानी कि L1 और नीचे सेकेंड स्क्वायर, ऊपर आएगा तो -2 m1 l1 t-2 किसका है न्यूटन का है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया न्यूटन का। टोटल सम अप कर दो, सो दैट इज इक्वल्स टू m1 l दो बार है तो 1 1 l2 t-2 हो गया, प्रूव हो गया m1 l2 t-2 था वही फॉर्मूला, समझ में आया कि नहीं। ओके चलिए तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट इज द डायमेंशनल एनालिसिस। ओके एंड यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस क्या है ये समझना है, क्योंकि हम डायमेंशनल फॉर्मूला समझ चुके हैं अब तो उसी पे बढ़ना है हमें, और डायमेंशनल एनालिसिस के क्या यूज़ है वो हम देखेंगे आज। ओके थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट ये इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो इसे अच्छे से ध्यान से समझना है। ओके चल तो सबसे पहले
डायमेंशनल एनालिसिस की डेफिनेशन लिख देता हूँ। अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स इन फिजिकल क्वांटिटी मैथमेटिकल इक्वेशन और जनरल इन फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। यानी कि मैथमेटिकल कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, फिजिक्स का, वो परफेक्ट है कि नहीं, डायमेंशनली ट्रू है कि नहीं, वो कैसे चेक किया जाए? तो डायमेंशनल फॉर्मूला की मदद से आप उसे चेक कर सकते हो। ओके, यानी कि एक पूरी मेथड बनाई गई है। ओके, उस मेथड का यूज करके हम कई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिराइव कर सकते हैं। ओके, किसकी मदद लेकर? बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। दैट इज व्हाई सच मेथड इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, पता चल रहा है ना? पक्का? जस्ट अ मोमेंट। ओके, अब यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहला, टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर वी हैव सीन सो मैनी 3 to 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, MKSA सिस्टम एंड देन फाइनली SI सिस्टम। ये सारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं अलग अलग समय की। अगर मुझे किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स का दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में रिलेशन चाहिए, जैसे कि वर्क डन है, ठीक है, एनर्जी, जैसा भी हमने देखा वर्क डन क्या होती है, एनर्जी, तो एनर्जी MKS में 1 यूनिट इक्वल्स टू CGS में कितने यूनिट होती है, उल्टा भी कर सकते हो। फोर्स का MKS यूनिट में 1 यूनिट इक्वल्स टू CGS में FPS में कितना यूनिट होता है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, उसका हम यहाँ पे एग्जांपल भी देखेंगे आगे। ओके, चलो फिर दूसरा, टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन कनेक्टिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनल ट्रू है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। इट इज कंसिस्टेंट और नॉट डिफरेंट टर्म्स इन्वॉल्विंग इन दैट इक्वेशन दैट इज और दैट मस्ट बी एज द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यानी कि हमेशा जब भी इक्वेशन में 2 से 3 से ज़्यादा टर्म होती है, ओके, जैसे आप लिखते थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, पाइथागोरस का जो थ्योरम था, आप लिखते थे इक्वेशन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 2 टर्म है, दैट इक्वल्स टू सी स्क्वायर, राइट हैंड साइड एक ही टर्म है, बट सारे के सारे टर्म एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो ही दैट इक्वेशन इज कॉल्ड डायमेंशनली ट्रू और डायमेंशनली कंसिस्टेंट। वो हम यहाँ पे देखेंगे, प्रूव भी करेंगे, ठीक है। दैट इज द सेकेंड यूज। एंड थर्ड यूज इज यू कैन ऑब्टेन द रिलेशन ऑल्सो। आपको पता नहीं है कि फिजिकल क्वांटिटी जो भी इन्वॉल्व हो रही है मेरे इक्वेशन में, उनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। ओके, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा, बट ये खाली 2 मार्क का क्वेश्चन लिखा जाता है, तो ये लिस्ट आपको याद रखने हैं। इसके लिए पहले ये प्रेजेंट मैंने आपको कर दिया। ओके, चले, चले, तो जस्ट हमने ये सब देख लिया है। ओके, सो अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि MKS में जो यूनिट ऑफ वर्क डन है उसका 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा, CGS में 7 यूनिट होगा, ठीक है, सो 1 जूल इक्वल टू 10^7 और दैट इज द फाइनल आंसर। अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारा चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन इक्वेशन। जैसा मैंने आगे बोला था कि कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, वो हम डायमेंशनल फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। तीन टर्म है तो तीनों बार आना चाहिए, दो टर्म है तो दोनों बार आना चाहिए, एक बार है तो एक बार आना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होता है तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट, डायमेंशनली ट्रू, अदरवाइज नॉट कंसिस्टेंट और नॉट ट्रू। ठीक है, चलिए देखते हैं। फॉर्मूला है हमारा x इक्वल्स टू x जीरो प्लस वी जीरो टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर। अब ये याद रखिए कि किसी भी फॉर्मूला में जो कांस्टेंट आते हैं उसे हम इग्नोर करेंगे जब फॉर्मूला लिखेंगे या डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे 1 बाई टू है, उसे हम नहीं लिखेंगे, क्यों? उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला आपके लिए नया है, थर्ड चैप्टर में हम इसे डिराइव करेंगे। तो हर एक टर्म को समझ लेते हैं। एक्स क्या है? कोई भी पार्टिकल ने या कोई भी ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया है टाइम इंटरवल टी के अंदर वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक्स जीरो क्या है? जहाँ से उसने स्टार्ट किया यानी कि इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, जब उसने मोशन की शुरुआत की तब का। वी जीरो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, हाउ मच अमाउंट ऑफ द वेलोसिटी इट पजेस व्हेन इट स्टार्ट। ओके, जैसे कि आप स्टेडी कंडीशन से दौड़ना शुरू करते हो तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो। बट मान लो आप दौड़ रहे हो और 5 सेकंड के बाद आप जब दौड़ ही रहे हो तब से मैं कैलकुलेट करना शुरू कर दूं तो आपकी जो वेलोसिटी है जब से काउंटडाउन शुरू हुआ, आपने टाइम कैलकुलेट करना शुरू किया, तब मान लीजिए आप 3 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हैं उस टाइम पे, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टी तो टाइम है जो वेल नोन है, बचा ए तो ए इज एन एक्सेलरेशन। तो ये हर एक टर्म आपको यहाँ पे बता दी कौन सी टर्म को क्या कहा जाता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला L1 यानी कि मीटर में आया। अब यहाँ पे टोटल कितने टर्म है? देखिए तीन है, 1, 2, 3। अब तीनों तीन के फॉर्मूला क्या आने चाहिए? मीटर यानी कि L1 आएंगे तो मैं कह सकता हूँ कि ये डायमेंशनली ट्रू है या ये फॉर्मूला डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। ठीक है, चल अब पहला तो बहुत आसान है, x यानी डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस को L1 लिख सकते हैं। ओके, इन राइट हैंड साइड देयर इज अ 3 टर्म, पहला x0 दैट इज कोई मास नहीं, कोई टाइम नहीं, L1 ओनली, खत्म। दूसरा है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या था? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो v0t, तो v0 का यानी कि L1t-1। m0 है तो नहीं लिखा है, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर आया तो -1 हो गया। फिर t है तो t का t1, तो t-1 t+1 कट जाएगा। ओके, t-1 और t+1 क्या होगा? कट जाएगा, सो यू कैन कट इट आउट हियर। तो बचा क्या? L1 m0 L1 t0। ठीक है, ओके, अब ए टी स्क्वायर, अब किसकी बारी? ए टी स्क्वायर की। जैसा मैंने बताया कि 102 कांस्टेंट है तो हम उससे नहीं लिखते हैं, 102 कांस्टेंट है तो नहीं लिखेगा, तो बचेगा क्या? ए टी स्क्वायर, तो ए टी स्क्वायर को लिखा जाएगा, तो ए टी स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी किया हमने, L1 t-2। ठीक है, और टी स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर है तो दैट इज t+2, पता चला? ओके, सो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर्मूला के हिसाब से मीटर यानी L1 डिवाइडेड बाय, यानी नीचे है सेकेंड स्क्वायर तो ऊपर आएगा, तो टाइम का power-2। फिर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का t2, अब t-2 t+2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? ओनली L1, तो L1 बचा। ठीक है, तो हियर वी कैन से दैट इसका भी L1, इसका भी L1 और इसका भी आंसर आया L1। सो हियर दिस फॉर्मूला इन ऑल टर्म्स द गिवन इक्वेशन हैव द सेम डायमेंशन, सारे के सारे
क्या है, डिमेंशन सेम है. ओके, सो व्हाट वी कैन से दैट द इक्वेशन x इक्वल्स टू वी जीरो टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट और डायमेंशनली वैलिड. ठीक है, पता चल आगे बढ़ते हैं. अब थर्ड यूज जो आपका था कि अगर आपको पता नहीं है, इफ यू डू नॉट नो दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे आपको ऐसा दे दिया जाएगा कुछ भी. स्टेप फिक्स है, ध्यान रखना. कोई भी डायमेंशनल फार्मूला आप यूज करके, अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला का नॉलेज है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो. चलिए, हीट प्रोड्यूस्ड इन करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके, वो क्या है? सो उसका फॉर्मूला नहीं दिया है आपको, जैसे आपको अभी मैंने बताया एफ इज इक्वल टू एम ए, फॉर्मूला बता दिया बराबर, बट मैं उस तरीके से ना बताऊँ, आपको फॉर्मूला में बताऊँ. फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड एक्सेलरेशन, या फिर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डिपेंड्स ऑन मास एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. तो आपको उसका इक्वेशन निकालना है. कैसे निकालोगे, वो तो आपको पता है एफ इक्वल टू एम ए. अब यहाँ पे उसी तरीके से हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर दैट डिपेंड्स ऑन करंट आई, रेजिस्टेंस आर एंड टाइम टी. जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी है उसको पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में शो कर दो, स्टेप वन. ठीक है, अब आपको इसका फॉर्मूला निकालना है हीट का, किसके फॉर्म में, आई आर और टी के फॉर्म में. ठीक है, चलिए, तो स्टेप वन क्या है आपका, के आपको जो प्रूव करना है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो, यानी कि हीट एच इज प्रोपोर्शनल टू आई आर टी. जो भी फिजिकल क्वांटिटी का जिक्र किया है आपको, जो बोला है, जिस पर डिपेंड करती है, वो लिख दो पहले. स्टेप वन, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी दी है उसको पावर दे दो. ठीक है, यानी आई आर टी पावर ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी लिख सकते, नॉट नेसेसरी. ऐसा भी टेंशन नहीं है कि आपको आर पहले लिख दिया, आई बाद में लिखा, टी उसके बाद में लिखा, बीच में लिखा, तो कोई प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. मेथड आपको पता है, कोई इश्यू नहीं होगा. ठीक है, ओके, चलिए. सब स्टेप वन मैंने क्या बोला, जो फिजिकल क्वांटिटी प्रोपोर्शनलिटी में आती है उसे वहाँ पे लिख देना है. ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी जाएगी तो कॉन्स्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी जाएगी कॉन्स्टेंट आएगा, कॉन्स्टेंट के ए बी सी आपका नाम का इनिशियल जो इच्छा है वो लिख सकते हो, कोई वहाँ पे बैर नहीं है. और जनरल टर्म है के और ए लिया जाता है, इस वाई के लिखा है यहाँ पे. स्टेप टू खत्म. अब क्या करना है, आपको सभी के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला लिखने हैं. अभी आपको केवल दो ही आते होंगे, कौन कौन से, एक टाइम टी का टी वन और एच, जस्ट मैंने बताया हीट, एनर्जी का फॉर्मूला फिक्स है 12-2. ठीक है, तो ये डायमेंशनल फार्मूला आते हैं, बट आई और आर का नहीं आता होगा, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे. चलिए, तो जस्ट मैंने बताया हीट का, यानी हीट एनर्जी है, दैट इज 12-2 m1l2 t-2 हो गया. आई यानी कि करंट, वो भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, याद आया, सो दैट इज a1. टाइम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है t1. खाली यहाँ पे नया क्या था, रेजिस्टेंस, ओके, 12-32, लास्ट में -2-2, ऐसा मैं सिखाऊंगा आपको फ्यूचर में, ओके. सो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला आपको अभी बनाना नहीं सिखाया है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, V इज इक्वल टू आई आर पे से बनेगा. ठीक है, फ्यूचर में हम देखेंगे, फिलहाल आपके लिए m1l2 t-3 a-2, दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, ओके. अब इसके ऊपर से हम इस H का फॉर्मूला बनाएंगे. ठीक है, चलिए, कैसे, सबसे पहले दोनों साइड हम क्या कर देंगे, डायमेंशनल फार्मूला रख देंगे. तो H के डायमेंशनल फार्मूला रख दिया m1l2 t-2. ठीक है, फिर K कांस्टेंट है वो तो नहीं लिखा जाता है, फिर I, तो I का डायमेंशनल फार्मूला A, जो पावर है वही रखना है A. फिर बारी आती है रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला रख दिया m1l2 t-3 a-2,
पावर जो है एज इट इज़ बी का, आर को बी दिया है पावर तो यहाँ पे बी रख दिया, और टी का पावर सी है तो सी रख दिया। टाइम का डायमेंशनल फार्मूला टी वन, वन लिखो या ना लिखो कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इम्पॉर्टेंट है, आपको राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड पावर को क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है, बट उससे पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी सेम पावर वाले को एक साइड कर देते हैं तो पावर कंपैरिजन में प्रॉब्लम ना हो। चलिए, अब ए अकेला है, ए वाला कोई भी टर्म नहीं है तो पहले लिख दिया, ठीक है, नहीं सॉरी, ए वाला टर्म दूसरा है, ए वन ए रेस टू स्मॉल ए, और यहाँ पे देखो दूसरा भी है तो इसका क्या होगा, माइनस टू बी, तो इन दोनों को जोड़ के लिख दिया ए रेस टू स्मॉल ए माइनस टू बी, ठीक है। अब एम केवल अकेला है, इसमें अब कहीं एम नहीं है, उसका पावर क्या है, बी है, तो एम रेस टू बी अलग अलग दिया, ठीक है। फिर एल की बारी, तो L की पावर क्या है, दिख रहा है कहीं पे दूसरे में, नहीं दिख रहा है, तो L रेस टू प्लस टू भी लिख दिया। अब बचा कौन, T, तो T दो बार है, तो T माइनस थ्री भी और प्लस सी, नॉट नेसेसरी C माइनस थ्री भी लिखो या माइनस थ्री भी प्लस सी लिखो, कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी बेस अलग अलग हैं उनको अलग अलग करके पावर को जो जोड़ के लिखा जाता है उस तरीके से लिख दिया, ए की पावर स्मॉल ए और दूसरी ए का आई ये रहा तो उसकी पावर क्या होगी, माइनस टू बी, ओके, तो दोनों को जोड़ दिया तो ए रेस टू स्मॉल ए माइनस टू बी। एम एक अकेला ही है पूरे फॉर्मूला में, तो एम रेस टू बी बी, एल रेस टू एक एक ही है, टू का पावर है उसका तो टू इंटू बी टू बी, एल रेस टू टू बी। टी दो बार है, माइनस थ्री बी और टी रेस टू सी, यहाँ पे सी माइनस थ्री बी या माइनस थ्री बी प्लस सी लिख दिया, हो गया। अब पावर को कंपैरिजन देखो, बराबर देखना, ए की पावर ए माइनस टू बी है बट लेफ्ट हैंड साइड ए तो है ही नहीं तो जीरो कर दो, तो पावर ए माइनस बी ए माइनस टू बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब एम, एम की पावर बी है, हमें खाली पावर पे ही ध्यान देना है, किसकी पावर किसके साथ दे रहे हैं वो ध्यान देना है, तो बेस एम है तो यहाँ पे एम है, हाँ है, उसकी पावर बी है तो बी पे कितनी पावर देंगे, वन, डायरेक्टली आ गया बी इक्वल्स टू वन, ठीक है। अब एल इक्वल्स टू टू बी है, ठीक है, एल इज इक्वल्स टू टू बी है तो यहाँ पे क्या होगा नहीं पता चलेगा, तो उससे बेहतर क्या है आगे चले जाते हैं, ओके, तो ए माइनस टू बी, ये आगे वाला टर्म था उसमें बी की वो वैल्यू मिल गई, तो ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ पे बी इक्वल्स टू वन रख दो तो ए माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, तो ए इक्वल्स टू प्लस टू, आगे इक्वल्स टू प्लस टू, ठीक है, पता चला है। अब क्या बाकी रहा, सी बाकी, तो यहाँ पे पावर फॉर्मूला क्या है, सी माइनस थ्री बी, सी माइनस थ्री बी, माइनस थ्री बी प्लस सी लिखो या सी माइनस थ्री बी लिखो कोई इश्यू नहीं, वो किसकी पावर है, टी की, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड टी क्या है, माइनस टू है तो माइनस टू लिख दिया, ओके। चलिए, तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू पता है, बी की, बी इक्वल्स टू वन, तो इधर चला जाएगा तो माइनस थ्री बी इक्वल्स टू वन, सी इक्वल्स टू जैसे एज इट इज इक्वल्स टू माइनस टू, ये इधर जाएगा तो प्लस थ्री, तो माइनस टू प्लस थ्री इक्वल्स टू वन, तो C इज इक्वल्स टू वन, तो आपके A, B और C इसकी वैल्यू लानी थी, आ गई वो वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो देयरफॉर A इक्वल्स टू क्या आया, टू, B इक्वल्स टू वन, C इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो आपका H इज इक्वल्स टू K इंटू आई रेस टू A, तो A की पावर A कितना आया, A इक्वल्स टू टू, तो I रेस टू टू, आई स्क्वायर बन गया। फिर दूसरा क्या था, आर, आर की पावर क्या आई, बी, बी कितना आया, वन, तो वन, टी कितना आया, सी पावर थी तो सी इक्वल्स टू ऑल्सो वन, तो वन। अब के इक्वल्स टू जो भी कांस्टेंट आप मानोगे,
जो भी कांस्टेंट आप मानोगे उसको लास्ट में क्या शो कर देने का, वन, और फॉर्मूला तैयार। देयरफॉर एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। ठीक है, चलो अब लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जो कभी कभी पूछा जाता है। राइट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनेटी। ओके, तो क्या होता है होमोजेनेटी वो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द सेम डिमेंशन कैन बी एडेड टूगेदर और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन एंड अनदर। जस्ट वी हैव चेक इट आउट और जस्ट वी हैव डन। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द सेम डिमेंशन कैन बी एडेड टूगेदर और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन टू अनदर। कौन सी इक्वेशन में हमने देखा, x इक्वल्स टू x जीरो प्लस बी जीरो टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर। ठीक है, वहाँ पे कॉम्बिनेशन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का था, फिर भी हम एक फिजिकल क्वांटिटी में से दूसरे को ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बशर्ते शर्त क्या होनी चाहिए, हैविंग द सेम डिमेंशन। उनकी डिमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकता मैं कि लेंथ में से टाइम घटा दूँ, सीधा एग्जाम्पल है, समझ रहे हो। लेंथ में से टाइम घटा सकते हो आप, क्यों नहीं घटा सकते भाई, क्योंकि लेंथ अलग में फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम अलग फिजिकल क्वांटिटी है, आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, या टाइम में से एम्पियर घटा दो, पॉसिबल है ना, दोनों की डिमेंशन ही अलग अलग है। सो यू कैन परफॉर्म द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड द पावर फॉर्मूला एंड द डिवीजन फॉर द ओनली हु हैविंग और विच हैविंग द सेम dimensions or that physical quantity must have same dimension then and then only you can perform it. ठीक है, तो this is true is very useful to check the dimensional consistency for the given equation. जैसा मैंने आपको समझाया, dimensional consistency check करने के लिए यह बड़ा ही काम का formula है या concept है। ठीक है, to check the dimensional consistency of the given equation, all terms on the both side of the equation should have same dimension. देखा हमने, left hand side, right hand side सबके dimension formula equal किए, तो ही क्या बोला, that is dimensional consistent. Okay, dimensional consistency do not guarantee the correctness of equation. ठीक है, dimensionally true है वो equation, guaranteed नहीं है कि दैट इज मैथमेटिकली ट्रू और नॉट, बराबर, यानी वो कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं करता है। इट इज अनसर्टेन टू एक्सटेंट ऑफ द डिमेंशन लेस क्वांटिटी और फंक्शन। आपके फॉर्मूला में कोई कांस्टेंट आता है या ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो डिमेंशन लेस है, उसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, सो यहां पे ये चीज खत्म होती है। So this principle or that is called the homogeneity of the dimensional formula. Okay, आज का lecture थोड़ा बड़ा हो गया, दो lecture के equivalent to एक lecture बन गया, almost 54 minutes होने वाली है। ठीक है, तो इसे दो part में देख लेना, बराबर। But ये dimensional analysis के मैंने जो use सीखा है आपको, वो बहुत ही अच्छी तरीके से आने चाहिए। Almost आपका second chapter ख़त्म हो जाता है, जो भी बचे हुए चे एंड JEE के नीट के कंसेप्ट है उसको लेकर हम यहाँ से एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ जाएंगे। ओके, आई होप यू हैव एन्जॉयड इट टुडेज लेक्चर। ओके, थैंक यू एंड टेक। हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू, होप यू ऑल आर फाइन। ओके, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट वी ब्रश अप व्हाट वी हैव अंडरस्टूड और what we have seen। ठीक है, अभी तक जो हमने देखा वो सब एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, ब्रशअप कर लेते हैं। कैसे हमने एब्सोल्यूट एरर देखा, किस तरीके से हम शो करते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर देखा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन रूल देखा। ठीक है, उन सब का कॉम्बो करके हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे आपको क्लियर कट पता चले। ठीक है, चल तो
एक्सप्लेन द अनसर्टेनिटी और एरर्स इन गिवन मेजरमेंट। तो अब हम न्यूमेरिकल यूज करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से एरर रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके चलिए, सो सपोज अ रेक्टेंगुलर प्लेट एंड इट्स ब्रेथ एंड लेंथ इज मेजर्ड एंड इट इज फाउंड दैट द लेंथ इज 16.2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 10.1 सेंटीमीटर। ओके और जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजरमेंट लिया गया है ओके उसकी लीस्ट काउंट दी गई है, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। गॉट इट? सो बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट इज मेजर्ड। ओके एंड द लीस्ट काउंट यानी कि जितनी मिनिमम कैपेसिटी उसकी है मेजरमेंट लेने की वो क्या है, 0.1 सेंटीमीटर है। इन ए न्यूमेरिकल यू ऑलवेज गिवन इन दिस फैशन दैट द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज टू मेजर, ओके यू हैव बीन नॉट गिवन डायरेक्टली दैट इज द एब्सोल्यूट एरर, यू ऑलवेज बीन गिवन द लीस्ट काउंट। ओके एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज द एब्सोल्यूट एरर। ओके चलिए कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमें लेंथ और ब्रेथ का ये वैल्यू जो दिया गया है वो हम ट्रुथ वैल्यू मानते हैं। ओके और उसके बाद जो लीस्ट काउंट दिया होता है उसे हम क्या मानते हैं, एब्सोल्यूट एरर मानते हैं। ओके तो एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट दैट शुड बी 0.1 बोल दिया हमने पहले ही, हमें क्या दिया था, ये क्वेश्चन था हमारा और उसके अंदर हमने क्या बोला था, लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट को जैसे मैंने बताया उसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोल देते हैं। तो मैं अब क्या कहेंगे कि लेंथ इज रिप्रेजेंटेड एज 16.2 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, एल प्लस और माइनस डेल्टा एल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजरमेंट लेते हैं तब। ओके सो एल यानी कि ओरिजिनल वैल्यू 16.2 एंड एब्सोल्यूट एरर इज डेल्टा एल दैट इज 0.1। ओके उसी तरीके से ब्रेथ को कैसे मेजरमेंट दिया जाएगा ये सोचिए, सो बी इज इक्वल्स टू द ओरिजिनल वैल्यू दैट इज 0.1 सेंटीमीटर एंड the absolute error will remain same that is 0.1 centimeter। okay chal to ab mere paas length aur width ki error aa chuki hai, to ab length ki percentage error aur width ki percentage error individually aap kaise find kar sakte ho wo hum dekhenge। moreover whenever the area of this plate is found out so how we can represent it and what amount of the error we should represented in the final result, यानी कि एरिया जो होगा टोटल इस प्लेट का वो क्या होगा, L इंटू बी इज इक्वल्स टू ए, समझ में आ रहा है ना। ओके तो जब टोटल एरिया फाइंड आउट होगा तो उसमें कितनी एरर होगी और एरिया को इस एरर रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे शो कर सकते हैं वो हमें देखना है। ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम परसेंटेज एरर ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ देख लेते हैं। मैं आपको लेंथ का समझाता हूँ, ब्रेथ आप खुद देख लेना, मैं यहाँ पे सीधा आंसर कर दूंगा। ठीक है चलिए तो लेंथ का परसेंटेज एरर कैसे होगा, फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट एरर सॉरी डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 ये रहा आपका फॉर्मूला। ठीक है वो हम देख चुके हैं। सो डेल्टा एल क्या है, 0.1 रख दिया, एल ओरिजिनल वैल्यू अरिथमेटिक मीन वो रख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर ऑफ द लेंथ नाउ वी हैव फाइंड आउट दैट इज 0.6। ठीक है उसी तरीके से हम ब्रेथ की परसेंटेज एरर फाइंड करें तो क्या होगा, दैट इज डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, सो दैट वुड बी 10.1 डिवाइडेड सॉरी
0.1 डिवाइडेड बाय 10.1 इनटू 100, ओके। यहाँ पे आपका जो आंसर आता है वो 0.619 एंड दो तीन डिजिट में आता है, आप कैलकुलेट करके देखना। बट व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिप्रेजेंटेड ओनली वन डेसिमल आफ्टर द पॉइंट, ठीक है। क्यों, हमारे पास पॉइंट के बाद एडिशन में कितनी एक्यूरेसी दी गई है, ओनली वन, ओके। सो वी आर प्रोसेड इन दैट वे, ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ पे L का रिप्रेजेंटेशन क्या देख सकते हैं, L इज इक्वल्स टू 16.2 ओरिजिनल वैल्यू, 0.6 परसेंटेज एरर सेंटीमीटर, यही हमारी परसेंटेज एरर, ओके। ऐसे भी शो कर सकते हैं। उसी तरीके से अब हम क्या फाइंड करें, परसेंटेज एरर इन ब्रेड्थ, सेम टू सेम डेल्टा बी बाय बी इनटू 100, ओके। आपको करना है 0.1 डिवाइडेड बाय 10.1 इनटू 100, यू विल गेट दी 1%, ओके। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा, सो बी इज इक्वल्स टू 10.1 प्लस और माइनस 1% सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे शो कर दिया एल को भी, बी को भी, उसकी परसेंटेज एरर भी फाइंड कर दी और उसको रिप्रेजेंट भी यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है, पता चला। अब एरिया की बात, चलिए तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, ठीक है, पता चला। अब क्या करते हैं, उसकी ओरिजिनल वैल्यू फाइंड कर देते हैं। रिप्रेजेंटेशन फाइनल वाला कैसा होगा, फाइनल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, आपको पता है दैट इज ए प्लस और माइनस डेल्टा ए। तो उसके लिए पहले ए फाइंड करना पड़ेगा, तो ए क्या होता है, एल इंटू बी। तो एल हमने जो फाइंड किया हुआ है या हमें दिया गया है 16.2 और बी 10.1, तो मल्टीप्लीकेशन करके हमने लिख दिया, ठीक है। सो देयरफॉर द परसेंटेज एरर इन ए, फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ ध्यान से समझना। दैट वुड बी, परसेंटेज एरर की बात हो रही है तो ए की परसेंटेज एरर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है लेंथ इंटू ब्रेथ का, बट एरर एडिशन में ही दिखाई जाती है, मल्टीप्लीकेशन रूल डिवीजन रूल हम देख चुके हैं। सो एल की परसेंटेज एरर कितनी होगी, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, बी की परसेंटेज एरर डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, और उन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। सो यू कैन सी हियर डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, दैट इज द परसेंटेज एरर ऑफ द ए, दैट इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर ऑफ द एल एंड परसेंटेज एरर ऑफ द बी, एंड दैट शुड बी एडिशन। दोनों का क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए, पता चल रहा है ना, ओके। सो हियर वी हैव फाइंड आउट, वी हैव रिटर्न द फॉर्मूला ऑफ द परसेंटेज एरर ऑफ द ए, और उसके ऊपर से मैं फाइनली क्या रिप्रेजेंटेशन लाऊंगा ए का, ठीक है। चलिए वैल्यू रख देते हैं, सो डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 तो हम ला चुके हैं आगे, फाइन कर लिया हमने 0.6%, ये भी फाइन कर चुके हैं 1%, टोटल 1.6%, ठीक है, आसान हो गया। ये राइट हैंड साइड पार्ट सॉल्व हो गया हमारा, इतना वाला दिस मच, क्योंकि हमने आगे ही फाइंड कर लिया है। अब इसकी बारी आती है, ओके। मुझे क्या चाहिए, डेल्टा ए चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डेल्टा ए चाहिए। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, ओके, वो कहाँ जाएगा, इस दरबाजू डिविजन में जाएगा, और ए कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, देखिए यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या बचेगा, खाली डेल्टा ए, मुझे यहाँ पे क्या रखना है, डेल्टा ए। तो 100 और ए को इक्वल्स टू के उधर भेज देते हैं, तो ये डिवीजन है वो न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर वो डिवीजन में जाएगा। चले तो इसका आंसर कितना था, 1.6, उसके साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ, ए, तो 1.6 इंटू ए, ए ऊपर से ले लिया, कितना है 163.62 रख दिया। अब ऊपर कौन है, 100, तो नीचे कौन जाएगा, 100, तो डिवाइडेड बाय 100, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, डेल्टा ए, दैट इज इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लीकेशन और आप डिविजन करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, दैट वुड बी अराउंड 2.6, ठीक है। जो आपको करना है, डेल्टा ए आ गया
ओके 2.6 निकाला ना, अब ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, दैट वुड बी द फाइनल रिप्रेजेंटेशन. सो ए यानी कि एरिया ए दैट वुड बी विद द परफेक्ट एक्यूरेसी 163.62 एरिया ए प्लस और माइनस डेल्टा है प्लस और माइनस 2.6 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हमने रिप्रेजेंट किया इसको, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, एक्यूरेसी, सब कुछ देख लिया. अब इसे भी फाइनल स्टेप कर देते हैं. हेयर द मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट इज 3. यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेशन हमने दिए हैं उसके अंदर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 3, तो उसको ऐसे ही शो किया जाएगा फाइनल रिप्रेजेंट. तो यहाँ पे तो देखिए ऐसे में लिखता हूँ तो इसकी तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो है, 5 है, तो ऐसा शो करना तो मतलब नहीं बनता है. ठीक है, तो अब क्या कर देंगे हम इसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में 163.62 को छोड़ देकर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, पता चला. अब देखिए यहाँ पे 2.6 था, यहाँ पे 26 जैसा लग रहा है बट पॉइंट नहीं छपा है. ओके, यहाँ पे 2.6 सही है. अब 2.6 में हमें पॉइंट डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं चाहिए. क्यों? सेंटीमीटर स्क्वायर की बात हो रही है तो डेसिमल 2.6 के बाद कोई मतलब नहीं बनता है. तो 2.6 का क्या कर दिया हमने, 3 कर दिया. अब आपको ऐसा क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हमने क्यों राउंड ऑफ नहीं किया. ओके, तो यहाँ पे राउंड ऑफ करना चाहो तो भी चलेगा बट दोनों में से एक को राउंड ऑफ देना पड़ेगा. यानी आप यहाँ पे 164 लिखो प्लस और माइनस 2.6 की जगह 3 लिखो तो भी चलेगा. ठीक है, पता चला. या फिर 164 प्लस और माइनस 2.6 ऑल्सो ओके, 164 ये भी ओके. ओके, समझ में आ रहा है ना. चलिए, सो देयरफॉर एरर इन मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ द प्लेट दैट इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी एरर पार्ट क्या है इसका, हर एक मेजरमेंट में या टोटल जो एरिया फाइंड किया उसके अंदर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरर है. दैट इज द फाइनल कंक्लूजन. क्लियर है? चलिए, वॉट इज द डिमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एंड एक्सप्लेन बाई यूजिंग द सुटेबल एग्जाम्पल. ध्यान से समझना, यहाँ से हम बहुत ही जल्दी इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन पे पहुँच चुके हैं. ओके, तो इस चीज़ को अभी जो हम समझने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से समझना. ओके, और दैट इज़ द हार्ट ऑफ द एंटायर चैप्टर. ठीक है, any physical quantity which can be represented by the save 7 basic or fundamental physical quantity. yani ki koi bhi physical quantity hai jo humne SI system mein dekha tha uske andar kitne unit base unit ke taur pe diye the humko 7. so there is 7 base or fundamental units given in SI system and any physical quantity can be represented by using that 7 basic fundamental units of fundamental physical quantity. एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि सातों सात फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी थी. पहली थी मास, ठीक है, एम से रिप्रेजेंट किया जाता है. दूसरी थी लेंथ, ओके, एल से रिप्रेजेंट किया जाता है. थर्ड वन कौन सी थी, टाइम, बेसिक है. ओके, एम एल टी फॉर्मूला भी बोलते हैं इसे. ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है. और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो कैपिटल के से इंडिकेट किया जाता है. और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सी डी, कैंडेला, राइट. फिर अमाउंट ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो दैट इज द 7 basic physical quantity and by using that basic physical quantity we can explain, we can represent any physical quantities, कोई भी. ठीक है, इसी का इस्तेमाल करके, इसी के टर्म्स में हम किसी को भी
एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, एंगल, प्लैंक कांस्टेंट, मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट्सेट्रा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप उठा के ले आओ, आप इसको MLT फॉर्मूला में या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला के फॉर्म में, यानी कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर उसका फॉर्मूला आपको आता है तो आपके लिए बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप आप सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आज मैं आपको बेसिक 3-4 फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा और उसी के साथ साथ आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आगे सारे के सारे फॉर्मूला बनाना सीख जाओगे। ठीक है, चलिए तो अब डायमेंशन का जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो कुछ इस प्रकार है। द पावर और एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटी इज रेज्ड टू इज कॉल्ड डायमेंशन। यानी कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे एम एल टी ए के फॉर्म में, इसकी जो पावर लिखी जाएगी यहाँ पे दैट इज कॉल्ड डिमेंशन। ठीक है, उसी को क्या कहा जाएगा, डिमेंशन कहा जाएगा उस फिजिकल क्वांटिटी का। एग्जांपल लेते हैं, हमें बताएं कि वॉल्यूम मेजर करना है तो उसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये तीन फिजिकल क्वांटिटी भले बोलने में अलग है बट मेजर तो किस में होगी, मीटर में ही। ओके, सो दैट वुड बी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। ये पहले इसके लिए समझा रहा हूँ कि कभी गड़बड़ी ना हो, लेंथ है बट उसका सिंबल एम है बट इट इज़ नॉट मास। ओके, मास आएगा तब हम कैपिटल एम लिखते हैं और उसका क्या होता है, किलोग्राम होता है, केजी होता है, बराबर। बट लिखा कैसे जाता है एम में लिखा जाता है, कैपिटल एम। देखिए यहाँ पे मास हुआ है, बट यहाँ पे अगर मैं लिखता किलोग्राम, सॉरी कोई ऐसा यूनिट जो नेक्स्ट आ रहा है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए लेंगे हम, ठीक है, जैसे क्लियर हो जाए, तब एम है फॉर्मूला में आपके तो वो है किलोग्राम, बट जब डिमेंशनल फॉर्मूला में लिखा जाएगा तब एम वन। अब यहाँ पे लेंथ है तो एल बी एच लिखा जाएगा इस तरीके से, मेन फॉर्मूला। मेजर किस में किया जाएगा, मीटर मीटर मीटर, तो वो बन जाता है आपका मीटर क्यूब। ओके, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे एल थ्री। ठीक है, यहाँ पे अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, एल थ्री। सो इन अ वॉल्यूम डायमेंशन ऑफ द लेंथ, यानी कि डायमेंशन ऑफ द लेंथ क्या है, हमने जो अभी देखा क्या रूल है, पावर जो है वही डायमेंशन कहा जाता है। तो यहाँ एम की या एल की पावर क्या हुई, 3। सो डायमेंशन ऑफ द लेंथ इज 3, वेयर एज द डायमेंशन ऑफ मास एंड टाइम 0। इस वॉल्यूम के फॉर्मूला में मास और टाइम आता है, नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो वो 0 है। यहाँ पे लेंथ ही आई, मास और टाइम आया ही नहीं, वॉल्यूम के फॉर्मूला में आता है, नहीं आता है तो वो 0 लिख देंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम कैसे लिखा जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार, एम जीरो एल थ्री टी जीरो, जो नहीं है उसे 0 और जो है, ओके, यानी मीटर क्यूब उसका यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। उसी तरीके से एरिया का लिखना हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा, 2, यानी कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर, और फॉर्मूला लिखा जाए तो एम जीरो एल टू टी जीरो, पता चला, है ना आसान। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है हमें, तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए फॉर्मूला हमारे पास है। ओके, एम क्या है, मास, ए क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, एम क्या है, मास है, ए क्या है, एक्सेलरेशन। ओके, तो अब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बना वो डायरेक्ट लिख दिया। अब जैसा कि मैंने बताया मास, तो मास किलोग्राम में आएगा, तो दैट इज वाई यहाँ पे एम वन लिख दिया। अब एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आना चाहिए, किस तरीके से, पहले उसका यूनिट आना चाहिए। ठीक है, चलिए जस्ट अ मोमेंट, अगर इसमें पॉसिबल है,
उसका फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थर्ड चैप्टर में हम सीखेंगे बराबर इसका मेन फॉर्मूला। बट आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि इसका फॉर्मूला क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसा अभी मैंने बताया, क्या बताया, के एम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल, तो लिख दिया एल। अब एस स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड किसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेकेंड किस में मेजर हो, टाइम किस में मेजर होता है, सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ भी क्या लिखा जाएगा, टी टू। बट ये कहाँ है, डिनोमीटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या पावर बनेगी उसकी, माइनस टू। क्या पावर बनेगी, माइनस टू। तो यहाँ पे आपने कई बार लिखा भी होगा, क्या लिखा होगा, आपने इस तरीके से यूनिट को रिप्रेजेंट भी किया होगा, एम इंटू एस रेस टू माइनस टू, ऐसे आपने लिखा भी होगा। समझ में आ रहा है ना, ओके। तो यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, इट वुड बी एल वन टी, और उसकी पावर कितनी है, माइनस टू, ठीक है। सो देयरफॉर इन दिस फैशन क्या हुआ, ये एम वन एल वन टी माइनस टू, पता चला ना, पक्का, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन जस्ट हमने देखा क्या हुआ, एल वन टी माइनस टू, ठीक है। उसी तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी बनाइए, उसके पहले आपको क्या आना चाहिए, डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रो, इसे बोला जाता है रो, ओके। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम, फॉर्मूला क्या है उसका, मास पर वॉल्यूम। चलिए अब मास है तो किससे मेजर होगा, एम वन, राइट। अब वी अभी जब हमने देखा उसका क्या है, एल थ्री, तो नीचे एल थ्री होगा, एल थ्री का होगा नीचे, तो वो ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री बनेगा, तो एम वन एल माइनस थ्री। अब टाइम है इसमें, डेंसिटी में नहीं है, तो जीरो लगा दिया, पता चला, ओके। तो उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा वेलोसिटी का, ठीक है। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज मीटर पर सेकेंड, वो तो शायद आपको आता ही होगा, नाइन्थ से आता है। तो मीटर पर सेकेंड, तो मीटर ऊपर है तो एल वन, सेकेंड नीचे है तो टाइम ऊपर जाएगा तो टी रेस टू माइनस वन। सो मास नहीं है वेलोसिटी में, मास नहीं है तो मास जीरो हो गया, तो एम जीरो एल वन टी माइनस वन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। चलिए अब एंगल, प्लेन एंगल ले लो, सॉलिड एंगल ले लो, ठीक है। इसमें ना तो मास है, ना तो लेंथ है, ना तो टाइम है, ओके। वो तो अलग क्वांटिटी में मेजर होता है, रेडियन में, मिनट में, डिग्री में, बराबर। तो वहाँ पे बेसिक फॉर्मूला में ना तो मास, लेंथ, टाइम है, सो दैट इज़ वाई एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला एम जीरो एच जीरो टी जीरो, उसके अंदर कुछ भी नहीं आता है। ऐसे कई सारे हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जीरो जीरो होता है। कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, बट हर एक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला जीरो नहीं होता है, ओके। जैसे हमने देखा है जी, ओके, कैपिटल जी, क्या है कैपिटल जी, याद करो तो जी की वैल्यू भी हमने लिखी थी, जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी इज इक्वल टू वैल्यू कितनी थी, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, फिर यूनिट लिखा था, क्या यूनिट था, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट ही है, बट वो यूनिटलेस नहीं है, उसका यूनिट है, ओके।
तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क। ओके अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला ये तो कंपलसरी दिमाग में बैठ ही जाना चाहिए, ठीक है? क्यों? बहुत सारी चीज़ों का ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। आप कोई भी टाइप की एनर्जी बोल दो, क्या कोई भी टाइप की एनर्जी बोल दो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा, ठीक है? उसको मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ 12 माइनस 2 से याद रखो। कैसे याद रखो? 12 माइनस 2। ओके ऊर्जा, उसे क्या बुलाना जाता है? ऊर्जा। ओके तो ऊर्जा के बारे में बता दो, बारे यानी कि 12 बता दो यानी माइनस 2, ऐसे लॉजिकली याद भी रखा जाता है। जनरल 12 माइनस 2 यानी एनर्जी, ठीक है? 12 माइनस 2 यानी कि एनर्जी, 12 यानी कि ये फॉर्म फिक्स है, MLT ही लिखा जाएगा। 12 यानी कि 1 M को दे देंगे, 12 यानी कि 2 आया दूसरा तो 2 L को दे देंगे और माइनस 2 T को दे देंगे। सो 12 माइनस 2 कोई भी एनर्जी, कौन कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, ओके या किसी भी टाइप की एनर्जी बोलो, ओके हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ओके सारी टाइप की एनर्जी अगर पीछे लगता है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला 12 माइनस 2 यानी m1 l2 t माइनस 2 ही होगा, ठीक है? पता चला कैसे? ये भी सवाल होगा आपको, ये भी प्रूव कर देते हैं, ठीक है? कैसे? चले तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वर्क डन का फॉर्मूला। अभी आपको नहीं पता होगा, वैसे तो आ चुका है 9th में, W इज इक्वल्स टू आपको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी जब हमने फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया, ओके अब पहले यूनिट लिख देता हूँ उसका। तो फोर्स मेजर होता है न्यूटन में, फोर्स किस में मेजर होता है? न्यूटन में, ओके और डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस किस में मेजर होता है? मीटर में, बराबर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? फिक्स है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा आपका L1। एक काम खत्म। अब न्यूटन का आगे याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ। क्या था? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि m1 किलोग्राम इंटू मीटर यानी कि L1 और नीचे सेकेंड स्क्वायर, ऊपर आएगा तो माइनस 2 m1 l1 t माइनस 2 किसका है? न्यूटन का है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया न्यूटन का। टोटल सम अप कर दो, सो दैट इज इक्वल्स टू m1 l दो बार है तो 1 l2 t माइनस 2 हो गया, प्रूव हो गया m1 l2 t माइनस 2 था वही फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं? ओके चल, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है? चल अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट इज द डायमेंशनल एनालिसिस, ओके एंड यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या है ये समझना है, क्योंकि हम डायमेंशनल फॉर्मूला समझ चुके हैं, अब उसी पे बढ़ना है हमें, और डायमेंशनल एनालिसिस की क्या यूज़ है वो हम देखेंगे आज। ओके थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट ये इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो इसे अच्छे से ध्यान से समझना। ओके चल तो सबसे पहले डायमेंशनल एनालिसिस की डेफिनेशन लिख देता हूँ। अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स इन फिजिकल quantity, mathematical equation or general in physics, classical physics by using dimensional formula is called dimensional analysis. यानी कि mathematical कोई भी equation है, ठीक है, physics का, वो perfect है कि नहीं, dimensionally true है कि नहीं, वो कैसे check किया जाए? तो dimensional formula की मदद से आप उसे check कर सकते हो, okay? यानी कि एक पूरी मेथड बनाई गई है, ओके?
उस मेथड का यूज करके हम कई प्रॉब्लम का सल्यूशन डिराइव कर सकते हैं। ओके, किसकी मदद लेकर? बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। दैट इज व्हाई सच मेथड इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, पता चल रहा है ना पक्का? जस्ट अ मोमेंट। ओके, अब यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहला, टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर वी हैव सीन सो मैनी 3 to 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, MKSA सिस्टम एंड देन फाइनली SI सिस्टम। ये सारी फिजिकल ये सारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं अलग अलग समय की। अगर मुझे किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स का दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में रिलेशन चाहिए, जैसे कि वर्क डन है, ठीक है, एनर्जी, जैसा भी हमने देखा वर्क डन क्या होती है, एनर्जी, तो एनर्जी MKS में 1 यूनिट इक्वल्स टू CGS में कितने यूनिट होती है, उल्टा भी कर सकते हो। फोर्स का MKS यूनिट में 1 यूनिट इक्वल्स टू CGS में FPS में कितना यूनिट होता है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, उसका हम यहाँ पे एग्जांपल भी देखेंगे आगे। ओके, चल फिर दूसरा, टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन कनेक्टिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनल ट्रू है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। इट इज कंसिस्टेंट और नॉट, डिफरेंट टर्म्स इन्वॉल्विंग इन दैट इक्वेशन दैट इज और दैट मस्ट बी एज द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यानी कि हमेशा जब भी इक्वेशन में 2 से 3 से ज़्यादा टर्म होती है, ओके, जैसे आप लिखते थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, पाइथागोरस का जो थ्योरम था आप लिखते थे इक्वेशन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 2 टर्म है, दैट इक्वल्स टू सी स्क्वायर, राइट हैंड साइड एक ही टर्म है, बट सारे के सारे टर्म एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो और तो ही दैट इक्वेशन इज कॉल्ड डायमेंशनली ट्रू और डायमेंशनली कंसिस्टेंट। वो हम यहाँ पे देखेंगे, प्रूव भी करेंगे, ठीक है, दैट इज द सेकेंड यूज। एंड थर्ड यूज इज यू कैन ऑब्टेन द रिलेशन ऑल्सो। आपको पता नहीं है कि फिजिकल क्वांटिटी जो भी इन्वॉल्व हो रही है मेरे इक्वेशन में उनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। ओके, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा, बट ये खाली 2 मार्क का क्वेश्चन लिखा जाता है तो ये लिस्ट आपको याद रखने हैं। इसके लिए पहले ये प्रेजेंट मैंने आपको कर दिया। ओके, चले चले, तो जस्ट हमने ये सब देख लिया है। ओके, सो अब यहां पे क्या कह सकते हैं कि MKS में जो यूनिट ऑफ वर्क डन है उसका 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा, CGS में 7 यूनिट होगा, ठीक है, सो 1 जूल इक्वल टू 10^7 और दैट इज द फाइनल आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन इक्वेशन। जैसा मैंने आगे बोला था कि कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं वो हम डायमेंशनल फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आना चाहिए, 3 टर्म है तो 3 बार आना चाहिए, 2 टर्म है तो 2 बार आना चाहिए, 1 बार है तो 1 बार आना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होता है तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट, डायमेंशनली ट्रू, अदरवाइज नॉट कंसिस्टेंट और नॉट ट्रू, ठीक है। चलिए देखते हैं,
फॉर्मूला है हमारा x इक्वल्स टू एक्स जीरो प्लस वी जीरो टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर। अब ये याद रखिए कि किसी भी फॉर्मूला में जो कांस्टेंट आते हैं उसे हम इग्नोर करेंगे जब फॉर्मूला लिखेंगे या डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे वन बाई टू है, उसे हम नहीं लिखेंगे, क्यों? उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला आपके लिए नया है, थर्ड चैप्टर में हम इसे डिराइव करेंगे। तो हर एक टर्म को समझ लेते हैं। एक्स क्या है? कोई भी पार्टिकल ने या कोई भी ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया है टाइम इंटरवल टी के अंदर, वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक्स जीरो क्या है? जहाँ से उसने स्टार्ट किया, यानी कि इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, जब उसने मोशन की शुरुआत की तब का। वी जीरो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, हाउ मच अमाउंट ऑफ द वेलोसिटी इट पजेस व्हेन इट स्टार्ट। ओके, जैसे कि आप स्टेडी कंडीशन से दौड़ना शुरू करते हो तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो। बट मान लो आप दौड़ रहे हो और 5 सेकंड के बाद आप जब दौड़ ही रहे हो तब से मैं कैलकुलेट करना शुरू कर दूं तो आपकी जो वेलोसिटी है जब से काउंटडाउन शुरू हुआ, आपने टाइम कैलकुलेट करना शुरू किया, तब मान लीजिए आप 3 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हैं उस टाइम पे, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टी तो टाइम है जो वेल नोन है, बचा ए, तो ए इज एन एक्सेलरेशन। तो ये हर एक टर्म आपको यहाँ पे बता दी कौन सी टर्म को क्या कहा जाता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला L1 यानी कि मीटर में आया। अब यहाँ पे टोटल कितने टर्म है? देखिए 3 है, 1 2 3। अब तीनों तीन के फॉर्मूला क्या आने चाहिए? मीटर यानी कि L1 आएंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि ये डायमेंशनली ट्रू है या ये फॉर्मूला डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, ठीक है। चल अब पहला तो बहुत आसान है, एक्स यानी डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस को L1 लिख सकते हैं। ओके, इन राइट हैंड साइड देयर इज अ 3 टर्म। पहला x0, दैट इज कोई मास नहीं, कोई टाइम नहीं, L1 ओनली, खत्म। दूसरा है वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या था? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो v0t, तो v0 का यानी कि L1t-1, m0 है तो नहीं लिखा है, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर आया तो -1 हो गया। फिर t है तो t का t1, तो t-1 t+1 कट जाएगा, ओके, t-1 और t+1 क्या होगा? कट जाएगा, सो यू कैन कट इट आउट हियर। तो बचा क्या? L1 m0 L1 t0, ठीक है। ओके, अब at square, अब किसकी बारी? at square की। जैसा मैंने बताया कि 102 कांस्टेंट है तो हम उससे नहीं लिखते हैं, 102 कांस्टेंट है तो नहीं लिखेगा, तो बचेगा क्या? at square, तो at square को लिखा जाएगा, तो at square मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी किया हमने, L1 t-2, ठीक है, और t square यानी टाइम का स्क्वायर है, तो दैट इज t+2, पता चला। ओके, सो a का डायमेंशनल फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर्मूला के हिसाब से मीटर यानी L1 डिवाइडेड बाय, यानी नीचे है सेकेंड स्क्वायर तो ऊपर आएगा, तो टाइम का power-2। फिर t square, तो t square का t2, अब t-2 t+2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? ओनली L1, तो L1 बचा, ठीक है। तो हियर वी कैन से दैट इसका भी L1, इसका भी L1 और इसका भी आंसर आया L1। सो हियर दिस फॉर्मूला इन ऑल टर्म्स द गिवन इक्वेशन हैव द सेम डायमेंशन, सारे के सारे क्या है? डायमेंशन सेम है। ओके, सो व्हाट वी कैन से दैट द इक्वेशन x इक्वल्स टू v0t प्लस 1/2at² इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट और डायमेंशनली वैलिड, ठीक है, पता चल। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड यूज जो आपका था कि अगर आपको पता नहीं है, इफ यू डू नॉट नो दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ओके,
तो यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे आपको ऐसा दे दिया जाएगा, कुछ भी स्टेप फिक्स है, ध्यान रखना। कोई भी डायमेंशनल फार्मूला आप यूज़ करके, अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला का नॉलेज है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। चलिए, हीट प्रोड्यूस्ड इन करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके, वो क्या है? सो उसका फार्मूला नहीं दिया है आपको, जैसे आपको अभी मैंने बताया F इजिक्वल टू एम ए, फार्मूला बता दिया बराबर, बट मैं उस तरीके से ना बताऊँ, आपको फार्मूला में बताऊँ। फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड एक्सेलरेशन, या फिर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डिपेंड्स ऑन मास एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो आपको उसका इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालोगे? वो तो आपको पता है F इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे उसी तरीके से हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर दैट डिपेंड्स ऑन करंट I, रेजिस्टेंस R एंड टाइम t। जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी है उसको पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में शो कर दो, स्टेप वन, ठीक है। अब आपको इसका फॉर्मूला निकालना है हीट का, किसके फॉर्म में? I, R और t के फॉर्म में, ठीक है। चले तो स्टेप वन क्या आपका, के आपको जो प्रूव करना है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो, यानी कि हीट एच इज प्रोपोर्शनल टू आई आर टी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी का जिक्र किया है आपको, जो बोला है, जिस पर डिपेंड करती है, वो लिख दो पहले। स्टेप वन, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी दी है उसको पावर दे दो, ठीक है, यानी आई आर टी पावर ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी लिख सकते, नॉट नेसेसरी। ऐसा भी टेंशन नहीं है कि आपको R पहले लिख दिया, I बाद में लिखा, T उसके बाद में लिखा, बीच में लिखा, तो कोई प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेथड आपको पता है, कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है, ओके। चलिए, सब स्टेप वन मैंने क्या बोला, जो फिजिकल क्वांटिटी प्रोपोर्शनलिटी में आती है उसे वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी जाएगी तो कॉन्स्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी जाएगी कॉन्स्टेंट आएगा, कॉन्स्टेंट के ए बी सी आपका नाम का इनिशियल जो इच्छा है वो लिख सकते हो, कोई वहाँ पे बैर नहीं है। और जनरल टर्म है के और ए लिया जाता है, दैट इज व्हाई के लिखा है यहाँ पे। स्टेप टू खत्म। अब क्या करना है आपको, सभी के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला लिखने हैं। अभी आपको केवल दो ही आते होंगे, कौन कौन से? एक टाइम टी का टी वन, और एच जस्ट मैंने बताया हीट, एनर्जी का फॉर्मूला फिक्स है 12 माइनस 2, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला आते हैं, बट आई और आर का नहीं आता होगा, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे। चलिए, तो जस्ट मैंने बताया हीट का, यानी हीट एनर्जी है, दैट इज 12 माइनस 2, m1l2 t-2 हो गया। आई यानी कि करंट, वो भी बेसिक फिजिकल क्वान्टिटी है, याद आया, सो दैट इज ए वन। टाइम बेसिक फिजिकल क्वान्टिटी है टी वन, खाली यहाँ पे नया क्या था, रेजिस्टेंस, ओके, 12 32, लास्ट में -2 2, ऐसा मैं सिखाऊंगा आपको फ्यूचर में, ओके। सो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला आपको अभी बनाना नहीं सिखाया है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, V इज इक्वल टू आई आर पे से बनेगा, ठीक है, फ्यूचर में हम देखेंगे। फिलहाल आपके लिए m1 l2 t-3 a-2, दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। अब इसके ऊपर से हम इस H का फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। चलिए, कैसे? सबसे पहले दोनों साइड हम क्या कर देंगे, डायमेंशन फार्मूला रख देंगे। तो H के डायमेंशन फार्मूला रख दिया m1 l2 t-2, ठीक है। फिर K कांस्टेंट है, वो तो नहीं लिखा जाता है। फिर I, तो I का डायमेंशन फार्मूला A, जो पावर है वही रखना है A। फिर बारी आती है रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला रख दिया m1 l2 t-3 a-2। पावर जो है एज इट इज़ B का, R को B दिया है पावर, तो यहाँ पे B रख दिया, और T का पावर C है तो C रख दिया। टाइम का डायमेंशनल फार्मूला t1 लिखो या ना लिखो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इम्पॉर्टेंट है, आपको राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड पावर को क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है, बट उससे पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी सेम पावर वाले को एक साइड कर देते हैं, तो पावर कंपैरिजन में प्रॉब्लम ना हो। चलिए, अब ए अकेला है,
ए वाला कोई भी टर्म नहीं है तो पहले लिख दिया, ठीक है, नहीं सॉरी, ए वाला टर्म दूसरा है, ए वन इनके ए रेस टू स्मॉल ए, और यहाँ पे देखो दूसरा भी है, तो इसका क्या होगा माइनस टू बी, तो इन दोनों को जोड़ के लिख दिया ए रेस टू स्मॉल ए माइनस टू बी, ठीक है। अब एम केवल अकेला है, इसमें अब कहीं एम नहीं है, उसका पावर क्या है बी है, तो एम रेस टू बी अलग अलग दिया, ठीक है। फिर एल की बारी, तो एल की पावर क्या है दिख रहा है कहीं पे दूसरे में, नहीं दिख रहा है, तो एल रेस टू प्लस टू बी लिख दिया। अब बचा कौन टी, तो टी दो बार है, सो टी माइनस थ्री बी और प्लस सी, नॉट नेसेसरी सी माइनस थ्री बी लिखो या माइनस थ्री बी प्लस सी लिखो, कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी बेज अलग अलग हैं उनको अलग अलग करके पावर को जो जोड़ के लिखा जाता है उस तरीके से लिख दिया। ए की पावर स्मॉल ए और दूसरी आ एक आ ये रहा, तो उसकी पावर क्या होगी माइनस टू बी, ओके, तो दोनों को जोड़ दिया, तो ए रेस टू स्मॉल ए माइनस टू बी। एम एक अकेला ही है पूरे फॉर्मूला में, तो एम रेस टू बी बी, एल रेस टू एक एक ही है, टू का पावर है उसका, तो टू इंटू बी टू बी, एल रेस टू टू बी। टी दो बार है, माइनस थ्री बी और टी रेस टू सी, यहाँ पे सी माइनस थ्री बी या माइनस थ्री बी प्लस सी लिख दिया, हो गया। अब पावर को कंपैरिजन देखो, बराबर देखना, ए की पावर ए माइनस टू बी है, बट लेफ्ट हैंड साइड ए तो है ही नहीं, तो जीरो कर दो, तो पावर ए माइनस बी ए माइनस टू बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब एम, एम की पावर बी है, हमें खाली पावर पे ही ध्यान देना है, किसकी पावर किसके साथ दे रहे हैं वो ध्यान देना है, तो बेस एम है तो यहाँ पे एम है, हाँ है, उसकी पावर बी है, तो बी पे कितनी पावर देंगे वन, डायरेक्टली आ गया बी इक्वल्स टू वन, ठीक है। अब एल इक्वल्स टू टू बी है, ठीक है, एल इज इक्वल्स टू टू बी है, तो यहाँ पे क्या होगा नहीं पता चलेगा, तो उससे बेहतर क्या है आगे चले जाते हैं, ओके। तो ए माइनस टू बी, ये आगे वाला टर्म था, उसमें b की वो वैल्यू मिल गई, तो a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ पे b इक्वल्स टू वन रख दो, तो a माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, तो a इक्वल्स टू प्लस टू, आगे इक्वल्स टू प्लस टू, ठीक है, पता चला। अब क्या बाकी रहा, c बाकी, तो यहाँ पे पावर फॉर्मूला क्या है, c माइनस थ्री बी, c माइनस थ्री बी, माइनस थ्री बी प्लस सी लिखो या c माइनस थ्री बी लिखो, कोई इश्यू नहीं है, वो किसकी पावर है टी की, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड टी क्या है माइनस टू, तो माइनस टू लिख दिया, ओके। चलिए तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू पता है बी की, बी इक्वल्स टू वन, तो इधर चला जाएगा, तो माइनस थ्री बी इक्वल्स टू वन, सी इक्वल्स टू जैसे एज इट इज इक्वल्स टू माइनस टू, ये इधर जाएगा तो प्लस थ्री, तो माइनस टू प्लस थ्री इक्वल्स टू वन, तो सी इज इक्वल्स टू वन, तो आपके ए बी और सी इसकी वैल्यू लानी थी आ गई, वो वैल्यू रख दो यहाँ पे, सो देयरफॉर ए इक्वल्स टू क्या आया टू, बी इक्वल्स टू वन, सी इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो आपका एच इज इक्वल्स टू के इंटू आई रेस टू ए, तो ए की पावर ए कितना आया, ए इक्वल्स टू टू, तो आई रेस टू टू, आई स्क्वायर बन गया। फिर दूसरा क्या था आर, आर की पावर क्या आई बी, बी कितना आया वन, तो वन, टी कितना आया सी पावर थी, तो सी इक्वल्स टू ऑल्सो वन, तो वन। अब के इक्वल्स टू जो भी कांस्टेंट आप मानोगे, जो भी कांस्टेंट आप मानोगे उसको लास्ट में क्या शो कर देने का वन, और फॉर्मूला तैयार, देयरफॉर एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये आपका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, ठीक है। चलो अब लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जो कभी कभी पूछा जाता है, राइट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनेटी, ओके। तो क्या होता है होमोजेनेटी वो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी
having the same dimension can be added together or subtracted from one and another. Just we have checked out, or just we have done. Magnitude of physical quantity having the same dimension can be added together or subtracted from one to another. कौन सी इक्वेशन में हमने देखा x इक्वल्स टू एक्स जीरो प्लस वी जीरो टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर. ठीक है, वहां पे कॉम्बिनेशन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का था, फिर भी हम एक फिजिकल क्वांटिटी में से दूसरे को ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बशर्ते शर्त क्या होनी चाहिए, हैविंग द सेम डिमेंशन. उनकी डिमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. ऐसा नहीं कर सकता मैं कि लेंथ में से टाइम घटा दूँ, सीधा एग्जाम्पल है, समझ रहे हो. लेंथ में से टाइम घटा सकते हो आप, क्यों नहीं घटा सकते भाई, क्योंकि लेंथ अलग फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम अलग फिजिकल क्वांटिटी है, आपको आंसर नहीं मिलेगा. ठीक है, या टाइम में से एम्पियर घटा दो, पॉसिबल है ना, दोनों की डिमेंशन ही अलग अलग है. सो यू कैन परफॉर्म द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड द पावर फॉर्मूला एंड द डिवीजन फॉर द ओनली हु हैविंग और विच हैविंग द सेम dimensions or that physical quantity must have same dimension then and then only you can perform it. ठीक है, तो this is true is very useful to check the dimensional consistency for the given equation. जैसा मैंने आपको समझाया है, dimensional consistency check करने के लिए ये बड़ा ही काम का formula है या concept है. ठीक है, to check the dimensional consistency of the given equation, all terms on the both side of the equation should have same dimension. देखा हमने left hand side, right hand side सबके dimensional formula equal किए, तो ही क्या बोला, that is dimensional consistent. Okay, dimensional consistency do not guarantee the correctness of equation. ठीक है, dimensionally true है वो equation, guaranteed नहीं है कि दैट इज मैथमेटिकली ट्रू और नॉट, बराबर, यानी वो कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं करता है. इट इज अनसर्टेन टू एक्सटेंट ऑफ द डिमेंशन लेस क्वांटिटी और फंक्शन. आपके फॉर्मूला में कोई कांस्टेंट आता है या ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो डिमेंशन लेस है, उसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. ठीक है, सो यहां पे ये चीज खत्म होती है. So this principle or that is called the homogeneity of the dimensional formula. Okay, आज का lecture थोड़ा बड़ा हो गया, दो lecture के equivalent to एक lecture बन गया, almost 54 minutes होने वाली है. ठीक है, तो इसे दो part में देख लेना, बराबर. But ये dimensional analysis के मैंने जो use सीखा है आपको, वो बहुत ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए. Almost आपका second chapter ख़त्म हो जाता है, जो भी बचे हुए चे and JEE के नीट के कंसेप्ट है उसको लेकर हम यहाँ से एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ जाएंगे. ओके, आई होप यू हैव एन्जॉयड इट टुडेज लेक्चर. ओके, थैंक यू एंड टेक